एलोवेरा, तो जैसा कि आप सब जानते हैं एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए और हमारे पूरे शरीर के लिए, जो कि हमारे स्किन को डिहाइड्रेट करता है, हमारे स्किन का पीएच लेवल ठीक करता है, हमारे बालों का झड़ना बंद करता है। तो आज हम एलोवेरा का ही कुछ बनाने जा रहे हैं, तो इसी पर हमने आज बात की है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एलोवेरा से एक सीरम बनाना, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसे कैसे बनाना। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक बाउल को लिया है और इस बाउल में देखिए मैंने ये देखिए ये ग्रीन लीफ का एलोवेरा जेल है, पतंजलि का नहीं है मेरे पास इस समय, यही है। तो आप ये यूज़ कर लीजिए या आप ये प्लांट वाला यूज़ कर लीजिए। अगर आप इसे ज़्यादा ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे लीजिए, और इसे अगर आप एक या दो दिन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसका भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका बना करके दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एलोवेरा को कट कर लेंगे इस तरीके से, और मैं इसके कांटे निकाल देती हूँ। देखिए मैंने इतना सा पीस ले लिया है, और ये इसी से हम आज अपना सीरम बनाएंगे। तो देखिए हमें, आप याद रखिए हमेशा कि एलोवेरा का जो पार्ट है, आपका ग्रीन पार्ट आपकी स्किन में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आपको इसका पल्प लगाना है। ग्रीन पार्ट अगर आप लगाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में इचिंग हो। तो मैं इसे, ये देखिए स्पून मैंने लिए, मैंने स्पून से ये देखिए इस तरीके से मैं आपको निकाली, देखिए आ गया इस तरीके से पूरा, ये देखिए हो गया। तो अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल रणनीति है आपकी स्किन के लिए, एक टोनर है, बहुत बढ़िया सीरम है आपकी स्किन के लिए। तो ये करीब देखिए, एक स्पून से ज़्यादा के करीब है, ये देखिए एक स्पून से ज़्यादा के करीब हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर सबके घर में अवेलेबल होता है खासकर, तो मेरे पास ये गुलाब जल का है, सॉरी गुलाबरी डाबर गुलाब का है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो इसकी हमें चाहिए कुछ ड्रॉप्स, ये देखिए मैंने करीब 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये हमारी थर्ड इंग्रेडिएंट्स है, इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, बस बिल्कुल 4 या 5 ही ड्रॉप इसमें हम ऐड करेंगे। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा सीरम बन करके रेडी होगा। तो अभी हम दो ही चीज़ों को, तीन चीज़ों को ही मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक साथ सारी चीज़ें नहीं डालनी। अगर हम सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो ये हमारा जो हमें जेल बेस चाहिए वो हमारा बन करके रेडी नहीं होगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, तो इसके बाद मैं डाल रही हूँ ये जॉनसन बेबी को ऑयल। तो ये इस समय मैं लॉकडाउन की वजह से गई थी मार्केट, तो मुझे ऑयल का ये सिर्फ पाउच ही अवेलेबल हो पाया, क्योंकि मेरे पास पैकेट ही ये हो पाया, बॉटल नहीं मिली मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ों की शॉर्टेज चल रही है तो नहीं मिल पा रही। तो हमें, तो इसकी जगह पे आप चाहें तो विटामिन ई कैप्सूल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या बादाम का ऑयल भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया है करीब, ये देखिए मैंने पूरा 1 चम्मच ये ले लिया। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना है तो आप फ्रेश का मत बनाइएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं 7 से 8 दिन के लिए, तो आप बाजार वाला ही बनाइए। तो इसे हमें अच्छे से मैश कर लेना है, और हमें तब तक इसे मैश करना है जब तक ये एक जेल फॉर्म में नहीं आ जाता। चलिए मैं थोड़ा सा कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। कि आप 2 दिन तक आराम से इसको, 3 दिन तक आराम से आप स्टोर कर सकते हैं। आप इसे बस इस तरीके से फिंगर पे लीजिए और अपने चेहरे पर रोज़ रात को लगा करके आप सो जाइए इस तरीके से, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मैंने इसमें जॉनसन बेबी ऑयल डाला है, तो जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसे आप पूरे चेहरे पर अप्लाई कीजिए और सो जाइए, ये बहुत ही
ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये देखिए, इस समय मैंने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया है, बस मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन है। क्लीन करने का तरीका मेरा वही सिंपल सा है जो मैं हमेशा करती हूँ। एलोवेरा से मैंने पहले लीफ को कट करके चेहरे को अपने चेहरे पे मल लिया है, उसके बाद मैंने चेहरे को वॉश कर लिया है। आप अपने फेस वॉश या साबुन से वॉश कर सकते हैं या प्लेन वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। इतना अच्छा लग रहा है, मेरा मन कर रहा है इसको मैं लगाती हूँ ना। इसे ये बहुत ही अच्छा टोनर है, आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा सीरम है। जब आप इसे लगाएंगे और ट्राई करेंगे तो आप खुद देखेंगे कितना अच्छा है, और आपको लगाने में ही आपको समझ में आएगा कि ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।